हेलो दोस्तों, क्रिको मेनिया में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, अगर क्रिकेट में पहली ही गेंद से चौके लगने लग जाएं तो बहुत मजा आता है, इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर चौका ठोकने वाले पांच बल्लेबाजों के बारे में। दुनिया में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम बल्लेबाज हैं जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर चौका या छक्का लगाया हो। तो वो पांच बल्लेबाजों में से नंबर पांच पर आते हैं तमीम इकबाल। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आते हैं बांग्लादेश टीम के बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल। उन्होंने 6 बार मैच की पहली गेंद पर चौका लगाया है। नंबर 4 पर है एडम गिलक्रिस्ट। चौथे नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया टीम के इस बल्लेबाज के बारे में, तो उन्होंने वनडे क्रिकेट के इतिहास में 8 बार मैच की पहली गेंद पर चौका लगाया है। नंबर 3 पर है शेन वॉटसन। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के सबसे शानदार ओपनर बल्लेबाजों में से एक शेन वॉटसन। शेन वॉटसन ने 9 बार मैच की पहली ही गेंद पर चौका लगाया है। नंबर 2 पर है हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक 11 बार मैच की पहली ही गेंद पर चौका लगाया है। नंबर 1 पर है नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग। दोस्तों, अगर बात की जाए टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज के बारे में, तो वीरेंद्र सहवाग ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में 22 बार मैच की पहली ही गेंद पर चौका लगाया है। दोस्तों, अगर आप भी वीरूपा जी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए अभी क्रिको मेनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।